हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो दोस्तों पहली न्यूज़ यार डीनो जेम्स की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों डीनो जेम्स ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि डीनो जेम्स स्टूडियो में है और उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा है ऑन माई नेक्स्ट। तो वो अपने नेक्स्ट ट्रैक के ऊपर वर्क कर रहे हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग चल रही है उनके नेक्स्ट ट्रैक की। तो बहुत जल्दी आप लोग को डीनो जेम्स का अगला गाना भी सुनने को मिल जाएगा। तो जब भी इसके बारे में पता चलता है मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा। तो अगली न्यूज़ यार किंग रोको की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों किंग रोको ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली और उनकी जो एल्बम आने वाली है न्यू लाइफ उसके बारे में बात करी। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, न्यू लाइफ के पहले हिट गाने के लिए तैयार हो जाइए। डिडंट स्लीप लास्ट नाइट एंड मेड दिस ब्यूटीफुल हिट कॉल्ड प्लीज, इट्स सो ब्यूटीफुल दैट आई कुडंट स्टॉप मायसेल्फ शेयरिंग दिस फीलिंग, ड्रॉपिंग फर्स्ट सॉन्ग दिस नवंबर फ्रॉम द अपकमिंग एल्बम न्यू लाइफ। तो दोस्तों किंग की जो एल्बम आ रही है न्यू लाइफ उसका फर्स्ट ट्रैक आने वाला है जिसका नेम है प्लीज, और वो इसी नवंबर में आने वाला है, ऐसा किंग ने अनाउंस कर दिया है। पर अभी कोई रिलीजिंग डेट नहीं बताई है कि कब आने वाला है, बस इस नवंबर में आउट होने वाला है। तो जब भी आएगा मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा। और अगर आप लोग किंग को सुनते हो तो आपको पता ही होगा यार किंग के गाने कैसे होते हैं। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप भी अगर फ़ैन हो तो वेट करो बस। तो अगली न्यूज़ यार MC हीम की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों MC हीम ने एक डिस्ट्रैक निकाला है MZ बेला के अगेंस्ट में, और वो जो डिस्ट्रैक है वो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करा है, यानी कि IGTV पे। तो आप लोग जाके सुन सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्ट्रैक मुझे पसंद आया, पंचलाइंस बहुत ही हार्ड है, और उसके साथ में MC हीम ने एक वार्निंग भी दी है MZ बेला को। तो मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ, आई हियर्ड अ लॉट ऑफ टाइम यू आर सबलिमिनली टॉकिंग शिट अबाउट एवरीवन ऑफ अस, इफ आई विल लिसन एनी मोर शिट फ्रॉम योर साइड आई विल मेक श्योर इट विल गो फार बियॉन्ड योर थिंकिंग, बाय द वे लुक दिस आर पंचलाइंस मेटाफोर्स एंड म्यूजिकैलिटी। तो बेसिकली MC हीम का कहना है कि MZ बेला जो है यार वो अपने सॉन्ग्स में बहुत सारे आर्टिस्ट को सबलिमिनली डिस कर रहे थे, और इसी कारण से उन्होंने ये डिस्ट्रैक निकाला है MZ बेला के अगेंस्ट में, और आगे MZ बेला और सबलिमिनली डिस करेंगे आर्टिस्ट को तो वो इससे भी खतरनाक डिस्ट्रैक निकालेंगे MZ बेला के अगेंस्ट में। तो ये एक वार्निंग है, तो देखते हैं यार इसका रिप्लाई देते हैं कि नहीं MZ बेला, और जब भी आएगा रिप्लाई मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। तो अगली न्यूज़ यार MZ बेला की तरफ से आ रही है। तो MZ बेला का शो है 9 नवंबर को हैदराबाद में, और जिस जगह पे उसका नाम है टॉट हैदराबाद। जो लोग हैदराबाद से होंगे उनको इस जगह के बारे में पता होगा। तो अगर आप लोग हैदराबाद से हो और इंटरेस्टेड हो इस शो को अटेंड करने में तो ज़रूर जाना। टिकट जहाँ पे भी अवेलेबल होगी मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगली न्यूज़ यार सॉन्ग्स की तरफ से आ रही है। तो पहला गाना जो उसका नेम है किल शॉट दम है बाय शिकारी फाइनल रिप्लाई टू कृष्णा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस सॉन्ग में तो जाके सुन सकते हो, ये एक डिस्ट्रैक है कृष्णा के लिए, और ठीक गाना है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते पर जितने जल्दी बनाए वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 दिन हुए दम है को आए हुए और ये रिप्लाई आ भी चुका है कृष्णा के लिए। इतने जल्दी रिप्लाई बना रहे मतलब बहुत जल्दी वीडियो के साथ में आउट करा है सॉन्ग, जाके सुनो और अगर पसंद आए तो लाइक भी करना। तो अगला गाना जो उसका नाम है मेडुसा बाय हर्षराज मेहरा संग डेक्स्टर, और ये वाला गाना ओल्ड स्कूल हिप हॉप है, ओल्ड स्कूल रैप करा है जो कि बहुत अच्छा है, आजकल देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम आर्टिस्ट है जो कि करते हैं ओल्ड स्कूल रैप, जो कि मुझे पसंद आया। लिरिक्स बहुत अच्छे सॉन्ग के और लिरिकल वीडियो ही है, तो आप लोग जाके सुनो, पसंद आएगा, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला गाना, और ओल्ड स्कूल रैप कम ही लोग सुनते हैं। तो अगर आप लोगों ने ओल्ड स्कूल हिप हॉप नहीं सुना है तो ये वाला गाना जाके सुन सकते हो, ये सिर्फ एग्जांपल है, अगर और सुनना है तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, आप लोग जाके सुन सकते हो, सर्च करो और सुनो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी प्रेस कर दो, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।